शनिवार शाम को विहंगम योग के महाराज सद्गुरु आचार्य स्वतंत्र देव जी एवं संत प्रवर विज्ञानदेव जी महाराज गोमिया पहुंचे। आज रविवार 29 मई को तेनुघाट में आयोजित विहंगम योग समारोह सह 501 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ में शामिल होंगे। गोमिया पहुंचने पर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने दोनों का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात इंतजार में खड़े हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं तथा अनुयायियों ने महाराज को घोड़े के रथ पर सवार कर शांति ध्वज के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली और पूरे गोमिया का भ्रमण किया गया। पदयात्रा गोमिया +2 उच्च विद्यालय से ढोल नगाड़ों के साथ प्रारंभ हुई और IEL स्थित गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के नवनिर्मित आवास तक पहुंची, जहां आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए और रात्रि विश्राम किया। महाराज आज सुबह विहंगम योग समागम में शामिल होने तेनुघाट प्रस्थान करेंगे। बता दें, शनिवार को गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के गोमिया में नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश कार्यक्रम था और विधायक के निमंत्रण पर विहंगम योग समागम के एक दिन पूर्व ही महाराज स्वतंत्र देव जी महाराज व विज्ञान देव जी महाराज गोमिया पहुंचकर विधायक के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। आज संत समाज द्वारा तेनुघाट में विहंगम योग समागम सह 501 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का भव्य आयोजन है, जहां दोनों महाराज शामिल होंगे। सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो के भी शामिल होने की संभावना है। सर, क्या कहेंगे आज बाबा का आगमन हुआ? आज निश्चित रूप से गोमिया वासियों के लिए ऐतिहासिक और पावन दिवस है। आज विहंगम योग के स्वतंत्र देव जी और संत प्रवर विज्ञान देव जी का आगमन हुआ है। निश्चित रूप से इनके आगमन से पूरे क्षेत्र में विहंगम योग का प्रचार प्रसार होगा, पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिकता का वातावरण फैलेगा और स्वामी जी का गोमिया में चरण पड़ने से पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा, पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि आएगी, सभी लोगों के घरों में संपन्नता आएगी। निश्चित रूप से ऐसा स्वामी जी की कृपा से होगा। 29 मई को सुबह में हवन यज्ञ भंडारा और प्रवचन का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। सभी लोगों से आग्रह होगा कि हजारों की संख्या में आके, लाखों की संख्या में आके कल के हवन यज्ञ और भंडारा और ये प्रवचन कार्यक्रम को सफल करें, ऐसा आग्रह।